गुड आफ्टरनून एवरीबडी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चो वी आर लाइव एंड वी आर बैक ऑन द्रिएटर चैनल अग्नि बैच फॉर पावर सिस्टम ठीक है तो बेटा अग्नि बैच के लिए हम लोग लौट आए हैं एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू जस्ट अ मिनट यार देयर इज सम इशू ओके हाँ तो बेटा अग्नि बैच के लिए लौट आए हैं और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम बात करेंगे पावर सिस्टम जनरेशन की तो जैसा आप जानते हो आज से एक नया पार्ट स्टार्ट हो रहा है पावर सिस्टम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ठीक है और इसमें मैं पावर सिस्टम आपको काफी हद तक तो देखो बेसिक से लेके जाऊंगा डेफिनेटली बट हां एकदम इतना बेसिक से नहीं जा सकते कि हंड्रेड आवर्स के बराबर डिटेलिंग हम लोग कर पाए डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कीप इट एज डिटेल्ड एज पॉसिबल बट नॉट एज डिटेल्ड एज अ कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा ठीक है चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड लेट मी स्टार्ट बाईसिंग माई सेल्फोज ऑफ यू आर मीटिंग स्टूडेंट्स माई नेम इज अंकित गोयल आई गॉट ए आई आर वन टूज इन गेट इन ट्वेंटी आई वॉज अवारजिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल इन दर ट्वेंटी वेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आई आई टी इंदौर टिल डेट आई है ऑनलाइन एन दी ऑफलाइन क्लासेज एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ डायरेक्टर एट एन अकेडमी फॉर गेट डिपार्टमेंट अब ये सब चीजें तो आप लोग जानते ही हो बेटा लेकिन साथ ही साथ ये भी हमेशा ध्यान रखना कि हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोचती है हमेशा एक डिस्कशन होता है बच्चों के रिगार्डिंग कि भाई बच्चों को कैसे क्या प्रोवाइड करना है और किस वे में बेस्ट फॉर्म में कंटेंट आपको दिया जा सकता है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले और इसके लिए नए नए इनिशिएटिव आप देखते हो इस चैनल पे सबसे ज्यादा इनिशिएटिव आते हैं आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा के देख लो चाहे आप कोई भी चैनल उठा के देख लो मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स यू विल ओनली फाइंड ऑन दिस चैनल अब आप लोग को यह भी पता होना चाहिए कि हमारे इनिशिएटिव बेटा सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते दे आर ऑल्सो फ्रीली अवेलेबल ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप जहां पर आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो सिंपली बाई अप्लाइंग द कोड अंकित ई ठीक है एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा देखो मेरी तो स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिल जाती है और जैसा मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया भी था आज से नई स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहा हूं शाम साढ़े सात बजे मेजरमेंट के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं तो यहां पे अगर आप जाएंगे इन अपकमिंग स्पेशल क्लासेस तो आपको ना मेजरमेंट की स्पेशल क्लास मिल जाएगी ठीक है वहां से आप फॉलो कर सकते हैं अब इसके अलावा देखो आप चाहें तो आ सकते हैं प्लस पे जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स और ना सिर्फ इतना डेली असाइनमेंट वीकली क्विज टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक और डाउट क्लियरिंग एक सब्सक्रिप्शन में बेटा सारे बैचेस मिलते हैं जैसे आज ही से प्लस पे बैचेस स्टार्ट हुए हैं फॉर एच एल एच पी सी एल आर वी यू एन एल एंड डी एफ सी सी आई एल ये सारे बैचेस आज से स्टार्ट हुए हैं और ये सारे बैचेस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं दैट इज़ प्लस और यहाँ पे आपकी अगर कोई क्लास मिस भी हो जाती है यू कैन ऑलवेज वॉच इट रिकॉर्डेड और मैं आपको बता दूं आज से हमारा डाउट बैच भी लाइव जा रहा है प्लस पे तो मैं डेली वेंसडे सॉरी हर वेंसडे को रात साढ़े दस बजे बच्चों के डाउट्स क्लियर करूंगा ऑन अन अकेडमी प्लस इसके अलावा यू कैन गो विद आइकॉनिक जहां प्लस बेनिफिट्स के साथ मिलेगा एक पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा आपका आपको प्रोवाइडेड रहेगा बेटा स्टडी बूस्टर सेशन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स यानी टीचर्स या जो भी इस एग्ज़ाम के एक्सपर्ट्स हैं लाइक टॉपर्स टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस जहां आपको रिपोर्ट दी जाएगी सब्जेक्ट वाइज सेक्शन वाइज कैसा परफॉर्मेंस है आपका इसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी स्टडी मटेरियल और एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो आपके सारे डाउट्स आंसर करती है तो यहाँ पे बेटा अगर आप कोड लगाते हो ना अंकित य तो आपको इमिजिएटली मिलेगा टेन परसेंट का डिस्काउंट साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी का मौका अब देखो यार स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है बेटा नाइन्थ ऑफ मे को नाइन्थ ऑफ मे को होने वाला है ग्यारह बजे संडे को और इसके अंदर टॉप थ्री विनर्स जीत सकते हैं हंड्रेड स्कॉलरशिप तो आपको करना क्या है एनरोल करना है यूजिंग द कोड अंकित एस ओनली ऑन अन लर्निंग ऐप आप अन ऐप पे इसको एनरोल कर सकते हैं अदर देन दैट मेरे बच्चों ये हमारा लेटेस्ट बैच है गेट का जो अभी स्टार्ट हुआ है तो इफ यू ज्वाइन यू कैन बिकमित्व एटीन मंथ थर्टी फोर सिक्स एंड टू ई नाइन सिक्स हंड्रेड आइकॉनिक के लिए जाओगे अगर तो वन ईयर होगा फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव एंड टू ईटी सिक्स सिक्स हंड्रेड ओके चल चलो भाई तो आज का टॉपिक होने वाला है अपना पावर जनरेशन तो हम आज बात करेंगे कि किस तरह से पावर जनरेट होती है क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं ताकि आप लोग पावर जनरेशन पे बेस क्वेश्चन को बेस्ट वे में टैकल कर पाए ठीक है चलो सो वेंकटेश इज आस्किंग इफ यू वॉन्ट बूस्टर बैच फॉर एचपीसीएल डू वी नीड टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस

आर नॉट मच रेलिवेंट टू गेट एग्जाम रवि बेटा टाइम लगेगा लिंक रिस्टार्ट होने में ठीक है वो पेज प्राइवेट हो गया है तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मुझे वो जीरो से रिक्रिएट करना पड़ेगा ठीक है वो मुझे रिक्रिएट करना पड़ेगा जीरो से इसीलिए अभी वो लिंक नहीं आने वाला एनी टाइम सुन साइनोसोइडल रिस्पॉन्स बेटा इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है ठीक है और ट्रायक इन्वर्टर में यूज नहीं होता है भाई ट्रायक आपका एसी वोल्टेज कंट्रोलर में यूज होता है भगीरथ यहां पे पावर सिस्टम का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे ठीक है यार देखो यूट्यूब के इनिशिएटिव सेपरेट हैं प्लस से ऐसा मत सोचो कि यूट्यूब पे अधूरा छोड़ के कहूंगा कि प्लस पे आ जाओ तब पूरा होगा ऐसा कुछ नहीं है जो यहां होगा वो यही होगा जो प्लस पे होगा वो वही होगा दोनों चीजों में कोई लिंक नहीं है यानी यहां से पढ़ के प्लस पे नहीं जाना या प्लस से पढ़ के यहां पे नहीं आना वो बच्चे अलग हैं ये बच्चे अलग हैं दोनों को हर तरह से कंप्लीट चीजें दी जा रही हैं जो भी हम लोग बेस्ट ऑफ आर एबिलिटी दे सकते हैं और जो बच्चों की मैक्सिमम डिमांड है ठीक है चल शुरू करते हैं तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं थर्मल पावर प्लांट से ठीक है थर्मल पावर प्लांट से अब देखो थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सबसे पहले होती है केमिकल एनर्जी जो आपका कोल होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको कंबशन करके हम बनाते हैं हीट हम क्या बनाते हैं हीट अब एक्चुअली क्या किया जाता है ये जो कंबशन से हीट पैदा होती है इससे बॉयलर में पानी को उबाला जाता है ठीक है इसमें बॉयलर में पानी को उबाला जाता है जिससे कि पानी कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टीम में अब ये जो स्टीम होती है ये जो स्टीम होती है इसमें क्या होता है दिस स्टीम इज पुस्ट टूवर्ड्स दी टर्बाइन ये स्टीम टर्बाइन की तरफ भेजी जाती है और जहाँ ये टर्बाइन को घुमा करके कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में तो देखो पहले केमिकल एनर्जी से पैदा होती है थर्मल एनर्जी फिर ये बनती है स्टीम की काइनेटिक एनर्जी और स्टीम की काइनेटिक एनर्जी रोटेट कराती है टर्बाइन को अब जो जनरेटर है जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मकैनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल तो जनरेटर विल प्रोवाइड यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट विल प्रोवाइड यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है अब यहां पे देखो यहां पे ना तीन स्टेजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एक आ जाती है थर्मल एफिशिएंसी ठीक है एक आ जाती है टर्बाइन एफिशिएंसी क्योंकि टर्बाइन भी एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है और एक आ जाती है जनरेटर एफिशिएंसी तो हम क्या बोलते थे ना टोटल एफिशिएंसी अगर टोटल एफिशिएंसी की बात की जाए तो इट इत इज ईटा थर्मल इनटू ईटा टर्बाइन इनटू ईटा जनरेटर ठीक है तो ये तीन एफिशिएंसीज मल्टीप्लाई होकर के नेट बनती है ओवरऑल एफिशिएंसी अब यहां पे देखो अगर इसका ब्लॉक डायग्राम देखें तो हम लेते हैं एक बॉयलर बॉयलर में हम डालते हैं वाटर एयर और फ्यूल वाटर एयर और फ्यूल क्या होता है एयर और फ्यूल मिलके करते हैं कंबशन देखो बिना एयर के कंबशन नहीं होता आप जानते हो कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो कंबशन होगा कंबशन से वाटर बॉइल होके कन्वर्ट होगा स्टीम में और कंबशन की जो वेस्ट गैसेस हैं उनको हम रिलीज कर देंगे अब ये जो स्टीम बनी है दिस विल रोटेट द स्टीम टर्बाइन स्टीम टर्बाइन रोटेट होगी तो इट इज जनरेटिंग मकेल एनर्जी।, एनर्जी से जनरेटर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है जनरेटर क्या बनाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये बात क्लियर हो गई तो यहां पे बेटा क्या हो रहा है कि सबसे पहले कंबशन कंबशन से बनी हीट हीट से बना स्टीम स्टीम से चली टर्बाइन टर्बाइन से जनरेटर ने बना दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब यहां पे क्या क्या साइकिल यूज होती है थर्मल पावर प्लांट जल्दी जल्दी देखेंगे भाई फ्यूल एंड एश सर्किट फ्यूल एंड एश सर्किट माने जिस सर्किट के अंदर जिस लूप के अंदर वी आर इनपुटिंग द फ्यूल एंड एश इज गेटिंग जनरेटेड तो यहां पे देखो कोल स्टोरेज है कोल एक जगह पे स्टोर्ड है और यहां पे कोल एंड हैंडलिंग प्लांट इसके अंदर हमने कोल डाला ये कोल बॉयलर में जाके करता है कंबशन बॉयलर में हमने क्या क्या डाला था कोल डाला था और एयर डाली थी फिर पानी जो जनरेट होगा पानी से स्टीम जनरेट होगी और यहां पे कंबशन से आपके पास होगा एक एश हैंडलिंग प्लांट एंड देन यू विल स्टोर द एश तो आप फ्यूल डालोगे बॉयलर में बॉयलर में कंबशन के बाद एश जनरेट होगी राख बनेगी और उस राख को भी आप हैंडल करने वाले हो फिर अगला है एयर एंड फ्लू गैस ये फ्यूल गैस नहीं होता ये फ्लू गैसेस होता है एयर एंड फ्लू गैस तो देखो भाई यहां पे एयर आई एयर में हमने किया प्री हीटिंग यानी ठंडी हवा से कंबशन नहीं करते खुद सोचो अगर एयर के अंदर नमी होगी तो वो कभी भी कंबशन नहीं परफॉर्म कर पाएगी इसीलिए एयर को भी पहले क्या करते हैं प्री हीट करते हैं और उसके बाद एयर आ जाती है बॉयलर में अब सर ये एयर को गरम कैसे करें देखो कंबशन से जो गैसेस निकलती हैं उनकी हीट होगी कंबशन से जो गैसेस पैदा हो रही हैं वो गैसेस भी गर्म होंगी उन गैसेस की हीट को वेस्ट मत करो उन गैसेस की हीट को आप क्या कर लो यू कैन यूज हीट द एयर समझ गए देखो यहां पे क्या करना है अपने को यहाँ पे क्या करना है ना अपने को कि भाई जितनी भी जितनी भी हमारी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं भले गैस है भले ही एशेज है भले ही स्टीम है उसको जितना बेटा एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाओ जितना कम से कम वेस्टेज रख पाओ उतना आपके लिए बेटर है सो यू वांट टू मिनिमाइज द वेस्टेज क्योंकि देखो जो कंबशन से हीट पैदा हुई है ना वो तो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट है अब उसका कितना ज्यादा पोर्शन आप यूज करते उतनी हो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी आपके प्लांट की ऐसा मत करो कि कोल जलाने से वन किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस की सपोज और उसमें से हंड्रेड जूल का ही यूज किया यानी टेन परसेंट का तो नुकसान हो गया ना तो वन किलो जूल अगर प्रोड्यूस की है तो उस एनर्जी का मैक्सिमम पोर्शन यूटिलाइज करो ताकि एफिशियंसी शुड बी एज हाई एज पॉसिबल अब इसके बाद फीड वॉटर एंड स्टीम सर्किट फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट का फंडा क्या है देखो यहां पे कि यहां पे टरबाइन से जो स्टीम यूज होकर निकलती है that is exhaust steam. इसको हम किस में डालते हैं? में। कंडेंसर वापस से कन्वर्ट कर देता है वाटर में यानी देखो जो स्टीम है उसको ना वेस्ट नहीं करना है ठीक है स्टीम है उसको वेस्ट नहीं करना है इसीलिए आप क्या करोगे स्टीम को कंडेंसर में डालोगे और कंडेंसर से वापस क्या बना लोगे वॉटर वॉटर बना लोगे फिर यहां से कंडेंसेट को एक्सट्रैक्ट करके फिर से आप हीटर का हीटर में डालोगे फिर आप क्या करोगे वापस से इसे किस में डालोगे बॉयलर में यानी पानी जो बनाया ना आपने स्टीम से वापस से वो वापस किस में जा रहा है बॉयलर में तो एक कंप्लीट साइकिल आपने बना दी एक कंप्लीट साइकिल आपने बना दी और देखो यहां बॉयलर के बाद एक सुपर हीटर लगा हुआ है सुपर हीटर क्या करेगा हीट को और स्टीम को और गर्म करेगा तो यानी ये स्टीम में से क्या करता है इट रिमूव ड्रॉपलेट्स यानी जब स्टीम ट्रेवल कर रही है ना वो इतनी गर्म होनी चाहिए कि उसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स ना हो ठीक है वाटर की ड्रॉपलेट्स ना हो तो ये सुपर हीटेड स्टीम कहाँ जाएगी टरबाइन पे वहां से वेस्टेज वाली स्टीम को कंडेंसर में डाल के करेंगे हम वाटर में कन्वर्ट वाटर को हीट करके दो बार इकोनोमाइजर में डाल के हम किस में डालेंगे बॉयलर में किस में डालेंगे बॉयलर में वॉट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर बेटा इकोनोमाइजर इज मेकिंग द होल प्रोसेस मोर इकोनॉमिक दैट इज इट इज यूजिंग द हीट जनरेटेड बाय द फ्लू गैसेज टू हीट अप द वॉटर वाटर को इवन बॉयलर में डालने से पहले भी गर्म कर दिया जाता है बाय मींस ऑफ वेस्ट गैसेस तो जो वेस्ट गैसेस पैदा हुई हैं उनकी जो हीट है उसको जितना ज्यादा रियूज कर लो उतना बेटर है अब कूलिंग वाटर यूनिट अब यहां पे देखो क्या होता है कंडेंसर में कोल्ड वाटर डालते हैं और जो स्टीम आ रही होती है उससे ये बन जाता है हॉट वाटर ये हॉट वाटर कूलिंग टावर में डाला जाता है जिससे ये बन जाता है कोल्ड वाटर कूलिंग टावर में क्या होता है ना पानी को ऊपर से छोड़ते हैं पानी को जब ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आते आते वो अपनी हीट को लूज करते करते इट अगेन गेट्स कन्वर्टेड टू वॉटर शशांक क्या होता है बहुत बार ये पूरा का पूरा पानी हम रिसाइकिल नहीं करते हैं इस पानी को ना बहुत बार नहर नदिया में छोड़ दिया जाता है जो आसपास वाटर बॉडी है अब वहां पे जो वाटर बॉडी के अंदर जो भी लिविंग बींग्स हैं मछलियां हैं या कछुए हैं जो भी चीजें पानी के नीचे रह रही हैं हम ये नहीं चाहते कि वो मर जाए तो उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वाटर चाहिए वो मेंटेन करने के लिए पानी को कूल cool डाउन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज इट इज़ पूरा पानी तो रिसाइकिल नहीं हो पाता कुछ पानी नहर में जाता भी है और कुछ पानी नहर से लिया भी जाता है अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के लिए पानी का टेम्परेचर सेम होना ज़रूरी है एज द एक्सटर्नल टेम्परेचर ठीक है अब आ जाओ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तो देखो इस इसपे न्यूमेरिकल क्या बन सकता है ना मैक्सिमम जो थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो थर्मल पावर प्लांट पे बेटा बेस्ट ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल एफिशिएंसी बनता है जहां फ्यूल की एफिशिय वैल्यू की बात आ जाती है जहां ये बात आ जाती है कि आप कितनी एनर्जी जनरेट करोगे आउटपुट पे अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है पहले पानी को ना हम फ्लो कराते हैं एक हाइट से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बेसिकली देखो करता क्या है क्या करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर वाटर एक हाइट पे रखा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इसको हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में किस में कन्वर्ट करते हैं भाई काइनेटिक एनर्जी में ये काइनेटिक एनर्जी क्या करती है ये टर्बाइन को रोटेट कराती है इट रोटेट्स टरबाइन टर्बाइन रोटेट करती है जब तो जनरेटर जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है तो यहां पे देखो पानी को हम लोग एक हाइट पे पानी को हम एक हाइट पे रखते हैं तो यहां से पानी हमारा नीचे की तरफ फ्लो करता है वॉटर फ्लो एंड इट स्ट्राइक्स अ टर्बाइन टर्बाइन विल रोटेट एंड जनरेटर विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ये बात क्लियर हुई ठीक है और बेटा देखो अगर और डिटेल में पावर प्लांट पढ़ने हैं ना तो मैंने इसी चैनल पे हर पावर प्लांट पे एक, -एक सिंगल सिंगल वीडियो भी बनाया है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे हमने बात की एक एक सिंगल पावर प्लांट पे जिसमें फ्यूल्स वगैरह सब कुछ कवर किया है तो आप वो भी रेफर कर सकते हो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि अग्नि बैच के अंदर जब कभी हम सौ घंटे के सब्जेक्ट को पंद्रह से बीस घंटे में कवर करते हैं तो हमारा मेजर फोकस क्या रहने वाला है जो मेजर चीजें हैं उनको हम लोग टच अप ऑन करें लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मेरे को तो इसके बारे में ना पूरा गहराई में जानना है है ना तो फिर आप क्या करो उस टॉपिक से रिलेटेड एक बार डिटेल में आप कवर कर लो यानी देखो ऐसा कर सकते हो मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता देता हूं कि आप ना अग्नि बैच के लेक्चर देखो अग्नि बैच के लेक्चर से जितना कुछ क्लियर होता है बहुत ही बढ़िया है अगर एक दो पॉइंट्स ऐसे लगते हैं यार इसमें ना फीलिंग नहीं आ रहा है इसके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देख लेना ठीक है तो सारे कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देखने भी नहीं पड़ेंगे जहां जहां पे फंसते हो अग्नि बैस से उस उसका कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर रेफर कर लेना तो ये आपको रिवीजन में मदद करेगा और जिन टॉपिक्स में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ले आओ तो टाइम भी मिनिमाइज हो जाएगा और तैयारी भी मैक्सिमाइज हो जाएगी ठीक है अब देखो यहां पर क्या है सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट स्टोरेज रिजर्वयर एंड डैम सर ये डैम करता क्या है बेटा डैम पानी को रोक के ना पानी को एक हाइट प्रोवाइड करता है हाइट क्यों क्योंकि पानी की जितनी ऊंची हाइट होगी उतना ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी नीचे आते हुए उतना ही ज्यादा बनेगा काइनेटिक एनर्जी बात को समझ रहे हो तो हमें हमेशा क्या कोशिश करनी है दैट बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम वी नीड टू इंक्रीज द हाइट हाइट को यहां पे हेड बोला जाता है हेड हम इंक्रीज करते हैं जिससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है So, मैं यहां लिख भी देता हूं डैम इंक्रीजेस हेड ऑफ वाटर और इट्स पोटेंशियल एनर्जी और इट्स पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अगला होता है भाई टर्बाइन टर्बाइन का क्या काम है टर्बाइन का काम है वाटर की काइनेटिक एनर्जी को टर्बाइन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना फिर इस टर्बाइन से जुड़ा जनरेटर का शाफ्ट भी घूमता है और जब जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है तो टर्बाइन अलग अलग तरह की आती हैं अगर आप मेरा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर देखोगे मैंने बताया है अब देखो सर्च टैंक सर्च टैंक का क्या मतलब होता है यहां पे क्यों होता है अगर आप वॉल्व क्लोज कर दो इफ वॉल्व इज क्लोज तो देखो क्या प्रॉब्लम है ना रिजर्वोयर वायर से पानी आ रहा है लेकिन वॉल्व क्लोज करके आपने पानी को रोक दिया है, आपने पानी को स्टॉप कर दिया है ठीक है तो क्या होगा वॉटर प्रेशर वॉटर प्रेशर इंक्रीजेज इन पेन स्टॉक अब ये सर पेन स्टॉक क्या चीज है बेटा पेन स्टॉक है वो पाइप जो पानी को रिजर्वयर से टर्बाइन तक लेके जाता है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ वॉट इज पेन स्टॉक इट इज अ क्लोज कंडुइट कंडुट का मतलब होता है रास्ता क्लोज कंडुट फॉर फ्लो ऑफ वाटर फॉर फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वयर रिजर्व टू टर्बाइन तो भाई इसमें ना क्या होता है पानी का प्रेशर बढ़ जाता है पानी का ये जो प्रेशर बढ़ता है ना इसे कहते हैं वाटर हैमर बहुत ही बढ़िया इसे हम क्या कहते हैं वाटर हैमर अब इसीलिए हम यहां पे सर्च टैंक लगाते हैं कि जब पानी का प्रेशर बढ़े तो पानी इसके अंदर राइज अप कर जाए और ये जो पाइप है इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाए ठीक है तो हम क्या कहते हैं बाय बायमींस ऑफ सर्च टैंक बाय मीन्स ऑफ सर्च टैंक वी रिड्यूस वी रिड्यूस वॉटर प्रेशर रिड्यूस वाटर प्रेशर इन पैनस्टॉक ठीक है वाटर का प्रेशर कम कर देते हैं भाई अब यहां मैरिट्स क्या है इसके यहां पे कोई फ्यूल का रिक्वायरमेंट नहीं होता इसीलिए इसकी ना ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है यानी अगर आप ये निकालोगे ना कितना खर्चा आ रहा है एक यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने में तो मिनिमम आता है रिलायबिलिटी हाईएस्ट है चीपेस्ट है और ये बहुत इजीली चालू किया जा सकता है और एक्सटर्नल सिस्टम से सिंक्रोनाइज किया जा सकता है लोड अगर वेरी करते हो तो कंट्रोल वॉल्व खोल के या बंद करके आप एनर्जी घटा बढ़ा सकते हो एक्यूरेट गवर्निंग यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी इजिली कॉन्स्टेंट मेंटेन की जा सकती है कोई लॉसेस नहीं होते हैं इसके अंदर नो स्टैंड बाय लॉसेस प्लांट रोबस्ट होते हैं और लॉन्गर लाइफ होते हैं यानी जल्दी खराब नहीं होता है एफिशिएंसी इसकी एज का फंक्शन नहीं है साफ है प्लांट एकदम और ये इरिगेशन में भी मदद करता है इसके बाद देखो नुकसान क्या है ये डीमेरिट्स है लार्जर एरिया है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई है क्योंकि डैम बनाना पड़ेगा रिजर्वॉयर बनाना पड़ेगा यहां लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लगेगी क्यों लगेगी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्योंकि भैया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शहर के बीच में तो नहीं होगा ऑब्वियसली वहां होगा जहां वॉटर ईजिली अवेलेबल हो और ऐसा एरिया ऑब्वियसली शहर के बाहर होगा जबकि लोड कहां पे है शहर में है तो शहर के बाहर वाले रीजन से शहर तक अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी लानी है तो वी नीड लॉन्गर वायर्स ड्राई सीजन में पावर सप्लाई अफेक्ट हो जाएगी क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर नॉट बी जनरेटेड इन ड्राई सीजन इसकी फर्म कैपेसिटी लो है फर्म कैपेसिटी माने जो कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पावर ये थ्रू आउट ईयर दे सकता है वो लो है क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी है, सीजनल है। यहाँ पे पावर कैसी है आपकी सीजनल है अब आ जाओ न्यूक्लियर पावर प्लांट पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एक न्यूक्लियर रियक्टर होता है एक न्यूक्लियर रियक्टर होता है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करते हैं अब गज़ब की बात ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी और वो एनर्जी क्या करती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कूलेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो कूलेंट होता है उसे गर्म करती है अब ये जो गर्मी पैदा होती है अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड टू स्टीम और जब ये स्टीम में कन्वर्ट होगा दिस स्टीम इज एक्चुअली यूज टू रन अ टर्बाइन ये टर्बाइन चलाने के काम में आती है ठीक है तो यहां पे क्या होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जनरेट्स generates heat inside a reactor generates heat inside a reactor that can convert that can convert water to steam water to steam in order to रन द टर्बाइन यानी भले ही देखो न्यूक्लियर रिएक्शन से आ रही है पावर लेकिन कर उससे भी पानी ही गर्म रहे हो पानी गर्म करोगे पानी से या स्टीम से टर्बाइन को चलाओगे ठीक है हाँ बिल्कुल जस्ट लाइक अ थर्मल पावर प्लांट तो देखो यहाँ पे हमने दिखाया है यहाँ पे क्या है ये न्यूक्लियर रिएक्टर का एक कोर है यहां पे जो भी हीट जनरेट होगी वो इस पानी को गर्म करती है पानी इस वेजल के अंदर रखा गया है अब ये पानी जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ये स्टीम टर्बाइन को चलाती है टर्बाइन से यूज होने के बाद स्टीम नीचे आ जाती है वापस से इसको ठंडा करके फिर से हम लोग इस कंटेनर में भेज देते हैं ठीक है इस कंटेनर में वापस से उस स्टीम को ठंडा करके भेज दिया जाता है तो हर बार क्या हो रहा है यहां पे हम लोग पानी को गर्म कर रहे हैं ठीक है पानी को गर्म कर रहे हैं और यहां से यहां से आपका जो पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है इट इज गेटिंग यूज टू रन आ टर्बाइन और यहां पे टर्बाइन चलने के साथ एक जनरेटर कनेक्टेड है विच विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी ये बात क्लियर हो गई अब देखो यहां रिएक्टर कोर की अगर बात करें तो रिएक्टर कोर के अंदर क्या होता है वी हैव यूरेनियम एज फ्यूल ठीक है इसमें हम क्या कराते हैं वी परफॉर्म आ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखो यहां पे ना कुछ ऐसा होता है दैट वन न्यूट्रॉन विल स्ट्राइक अ यूरेनियम एटम एंड इट विल प्रोड्यूस थ्री न्यूट्रॉन्स अब ये जो तीन न्यूट्रॉन होते हैं ये अगर जाके तीन तीन यूरेनियम एटम से टकराएंगे तो ये नौ नौ न्यूट्रॉन पैदा करेंगे फिर नौ टकराएंगे तो सत्ताईस पैदा करेंगे इस तरह से एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होने की संभावना है ठीक है हम क्या बोलते हैं एफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एफ number of neutrons keep on increasing then then there is a possibility there is a possibility of uncontrolled chain reaction there is a possibility of अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन अब भैया ये घातक हो सकता है इससे रिएक्टर तुम्हारा ना फट सकता है ऐसा हो सकता है रिएक्टर ब्लास्ट हो जाए जैसे आप देखते हो ना जापान के अंदर अक्सर ये देखा जाता है कि रिएक्टर कभी कभी ब्लास्ट हो जाते हैं उसका मेन कारण यही होता है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन जाए अब यहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या डालते हैं कंट्रोल रॉड्स क्या डालते हैं कंट्रोल रॉड्स तो कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल टू कंट्रोल चेन रिएक्शन ठीक है यह एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ना एब्सॉर्ब कर लेती है अब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन वन जनरेशन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस इन वन जनरेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीसीडिंग जनरेशन यानी इस जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन पैदा हुए और इससे पिछली जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन पैदा हुए थे तो अभी कितने पैदा हुए और पिछली में कितने थे वो होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ठीक है अब यहां पे बेटा अगर एम आपका लेस देन वन होता है तो चेन रिएक्शन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे आपके न्यूट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो चेन रिएक्शन डाइज आउट एम अगर वन के बराबर हुआ तो दिस इज अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन जो चेन रिएक्शन चलता रहेगा ठीक है एम अगर वन से बड़ा हुआ अगर एम वन से बड़ा हुआ तो इट अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन तो हमें एम को ना वन पे रखना होता है अगर एम को वन पे रखोगे तो हर जनरेशन में बराबर न्यूट्रॉन होंगे और बराबर न्यूट्रॉन होंगे तो आपका रिएक्शन उतने ही रेट से चलता रहेगा एनर्जी उतनी ही स्पीड से पैदा होती रहेगी अब मैरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके अंदर देखो एक दो चीजें और बता देता हूँ मॉडरेटर मॉडरेटर ये क्या करता है इट स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स स्लोज डाउन द न्यूट्रॉन्स ठीक है क्यों करता है भाई स्लो डाउन इसलिए क्योंकि अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हाई स्पीड से अगर न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हाई स्पीड से टकराते हैं ना यूरेनियम एटम से तो वो कभी फिजन कर ही नहीं पाते हैं तो एक पर्टिकुलर स्पीड पे टकराएंगे तभी उसके न्यूक्लियस को तोड़ेंगे बहुत तेजी से टकरा गए तो नहीं न्यूक्लियस टूटेगा इसीलिए इसको स्लो डाउन करना जरूरी है कूलेंट तो मैंने बता ही दिया न्यूक्लियर रिएक्शन की जितनी भी हीट है उसे एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट करके इट विल इट विल मेक इट विल रन द टर्बाइन ठीक है मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड्स के कंट्रोल रॉड्स अक्सर बोरोन से बनाई जाती हैं और मॉडरेटर मॉडरेटर क्या होता है आपका यहां पे लिक्विड मेटल भी होता है जो कूलेंट और मॉडरेटर दोनों का काम करता है हैवी वाटर भी होता है ठीक है हैवी वाटर का भी यूज़ कर लेते हैं मॉडरेटर की तरह तो बहुत बार क्या होता है ना कूलेंट और मॉडरेटर सेम ही मटेरियल से बना देते हैं कि वो कूलेंट का भी काम कर ले और मॉडरेटर का भी काम कर ले अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है भाई अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड स्मॉल दे नीड लेसर एरिया ये इसके एडवांटेजेस है यहां कोई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है क्योंकि अमाउंट ऑफ फ्यूल इतना छोटा है कि इसके लिए कोई ट्रक या ट्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है मोस्ट इकोनमिकल यहां से लार्ज पावर जनरेट हो सकती है ध्यान रखेंगे इसीलिए कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्यूचर क्योंकि इट कैन जनरेट लार्ज पावर और लार्ज डिपॉजिट है न्यूक्लियर फ्यूल्स के अक्रॉस दर्ल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज वेरी वेरी लो कूलेंट और मॉडरेटर में डिफरेंस बेटा कूलेंट ठंडा कर रहा है रिएक्टर को ताकि गर्मी पैदा ना हो मॉडरेटर न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन कर रहा है भले ही दोनों एक ही मटीरियल से बन सकते हैं लेकिन फंक्शनैलिटी अलग अलग है परपज अलग है अब इसके नुकसान क्या है इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई है क्योंकि रिएक्टर बनाना पड़ता है भाई ठीक है फिजन मटीरियल यहां पर रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है इसको डिस्पोज करना टफ है ये वेरिएबल लोड के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि आप ये सोचो कि अगर लोड बढ़ गया मैं ये कहूं कि मैं यूरेनियम ज्यादा डाल देता हूं तो मैं ज्यादा लोड को सप्लाई कर दूंगा तो बेटा ऐसे में ये भी हो सकता है कि यूरेनियम ज्यादा डाल देने से पता चला रिएक्टर ही फट गया तो वैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें फ्यूल इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू रिकवर यानी रियूज तो हो नहीं सकता एक बार यूज हो गया तो खत्म और एक्सपेंसिव बहुत है मेंटेनेंस चार्जेस बहुत हाई है क्योंकि भैया इसके फटने से जान मान की हानि हो सकती है तो इसकी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए ये खराब नहीं अफोर्ड कर सकते आप ठीक है कूलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट आर वेरी हैवी क्योंकि भैया जैसे थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग करनी पड़ती है सेम वे में आपको यहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर भी आपको कूलिंग करनी पड़ेगी ठीक है गैस टर्बाइन पावर प्लांट गैस टर्बाइन पावर प्लांट इनिशियल कॉस्टिंग बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की भी ज्यादा होती है बट ऑपरेशनल कॉस्ट सबसे कम होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की ठीक है अनिरुद्ध बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे कंट्रोल रॉड का पूरा फंक्शन लिखवाया क्या लिखा था कंट्रोल रॉड्स एब्सॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल चेन रिएक्शन ठीक है मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक में होगा ना फ्यूल ही रिक्वायर्ड नहीं है वहां तो ठीक है चलो आगे चला जाए अब गैस टर्बाइन पावर प्लांट अब देखो गैस टर्बाइन पावर प्लांट की अगर बात करते हैं तो यहां पे हम क्या कहते हैं ना जो कंबशन से गैसेस पैदा होती हैं उनसे वाटर को गर्म मत करो डायरेक्टली उन गैसेस से ही टर्बाइन चला लो तो इसे हम कहते हैं गैस टर्बाइन पावर प्लांट तो so, हम यहां पे क्या कहते हैं द गैस इज द गैस इज जनरेटेड द गैस इज जनरेटेड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ अ फ्यूल ड्यूरिंग कंबशन ऑफ अ फ्यूल आर देम सेल्वस Are themselves used to run a turbine. Are themselves used to run a turbine rather than uh, letting them heat the water. Water गर्म नहीं करते. Directly combustion से जो भी gases पैदा हुई उसी का use करेंगे. अब देखो जैसे यहाँ पे oil storage है. ऑयल स्टोरेज को हमने क्या किया ऑयल स्टोरेज को हमने कंबशन किया कंबशन किया जो तेल आया उसे जलाया तेल जलाने से गैसेस पैदा हुई उन गैसेस से हमने किसे चलाया टर्बाइन को तो ये हो गया गैस टर्बाइन पावर प्लांट बाकी इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ठीक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बहुत सिंपल है बनाना थर्मल से तो ईजी हो गया ठीक है हाई रिलायबिलिटी हाई रिलायबिलिटी तो यहां पे क्या है कि बहुत इजीली ये ब्रेक डाउन नहीं होता है सिंपल लिबरेशन सिस्टम गैसेस को इजीली रिलीज रिलीज कर सकते हो बेटा बिना एयर के कंबशन कैसे करोगे प्रखर थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा क्लीन एग्जॉस्ट रिक्वायरिंग नो स्टैक यहाँ पे जो एग्जॉस्ट पैदा होता है दैट इज क्लीन यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट मटीरियल नहीं होते हैं कॉम्पैक्टनेस बहुत छोटा होता है लो इनिशियल कॉस्ट लो इनिशियल कॉस्ट है इसका और यहाँ जो है ना कोई स्टैंड बाय लॉसेस भी नहीं है देर आर नो स्टैंड बाय लॉसेस लेकिन यहां पे आउटपुट कम है एफिशिएंसी कम है और आवाज ज्यादा है ठीक है अब सोलर पावर प्लांट देखो सोलर पावर प्लांट में क्या होता है सोलर कलेक्टर इट कलेक्ट सनलाइट इट कलेक्ट सनलाइट ठीक है और ये जो स्टोरेज टैंक है इट हैज वाटर इन साइड तो जो सनलाइट है ना सनलाइट की मदद से आप क्या करते हो आप पानी को हीट करते हो तो वाटर इज बॉइल्ड वाटर इज बॉइल्ड जैसे पहले बनाते नहीं थे सोलर कुकर आप लोगों ने पता नहीं बनाया नहीं बनाया लेकिन पहले सोलर कुकर बनाते थे वॉटर इज बॉइल्ड बाई मीन ऑफ सनलाइट और इससे पैदा होती है स्टीम स्टीम से हम क्या करते हैं टर्बाइन को रो, रोटेट कराते हैं टर्बाइन को रोटेट करा के क्या जनरेट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा देखो कम्यूटेशन सर्किट आने का दीपक काफी कम चांस है बाकी कम्यूटेशन सर्किट के फॉर्मुलेज मैंने कराए थे विद्युत बैच के अंदर और इसके अलावा कम्यूटेशन सर्किट के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में भी करा रखा है पीयूष मेरे भाई मुझे नहीं पता तुम एक आध दो महीने से कहाँ सो रहे थे क्योंकि ये चीज़ मैं कई बार आंसर कर चुका हूँ कि ई वीडियो बुक प्राइवेट कर दी गई है और उसको दोबारा क्रिएट करने में टाइम लगेगा अभी मेरे पास पर्सनली टाइम नहीं है टू रिक्रिएट तो मैं आपको कमिट नहीं कर सकता वेन इट कम बैक ठीक है और ये मैं पिछले दो महीने से जवाब दे रहा हूं मुझे नहीं पता तुम दो महीने से गायब कहा हो ठीक है चलो वर्किंग ऑफ सोलर पावर प्लांट देखो सोलर पैनल है सोलर पैनल क्या करता है डीसी पावर जनरेट करता है देखो दो तरीके हैं या तो आप पानी गर्म करके टर्बाइन चला लो या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो सोलर पैनल से यू कैन जनरेट डीसी वोल्टेज अब ये जो डीसी वोल्टेज आप जनरेट करोगे इसको इन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा एसी में और फिर आप इसको फिल्टर के थ्रू पास करा के यू कैन डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रिड और कनेक्टेड टू द ए सी सिस्टम तो दो तरीके हैं तो पी वी पैनल फोटो वोल्टाइक पैनल से जहां पे सनलाइट की मदद से वोल्टेज जनरेट की जाती है या दूसरा तरीका ये होता है कि इससे हम वाटर को हीट कर लें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सोलर एनर्जी इज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ये तो बच्चा बच्चा जानता है भाई सोलर एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और सबसे प्राउड फील करने वाली बात यह है कि सोलर एनर्जी में इंडिया बाकी देशों से आगे है ठीक है वंस अ सोलर पैनल इज इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस फ्री ऑफ चार्ज एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसके बाद कोई खर्चा ही नहीं है ठीक है तो बेटा यहां पे सोलर एनर्जी तो हमेशा रहेगी क्योंकि सूरज तो कहीं आ जा नहीं रहा भले फ्यूल रिजर्व खत्म हो सकता है ऑयल रिजर्व खत्म हो सकता है सोलर नहीं और इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है ठीक है एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है यानी कि सोलर पैनल से अगर एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करनी है तो सोलर पैनल का साइज बहुत बड़ा होगा पर यूनिट एरिया इसका एनर्जी बहुत कम होता है ठीक है ये पूरे दिन अवेलेबल नहीं होती है यानी इसका स्टोरेज जरूरी है इसका स्टोरेज जरूरी है क्योंकि ये सारे दिन तो पैदा नहीं होती है सिर्फ जब सूरज निकला होता है देन ओनली इट इज प्रोड्यूस्ड ठीक है क्लाउडी और हेजी एटमोसफेयरिक कंडीशन सनलाइट को रिड्यूस करती है सनलाइट रिड्यूस होगी तो आपका सनलाइट रिड्यूस होगी तो आपका एनर्जी कम होगा ठीक है इट अ मीन्स टू स्टोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड तो आपको एनर्जी को बेटा स्टोर करना पड़ेगा सो so दैट जब आपका सूरज नहीं निकला हुआ या क्राउडिड एटमोसफेयर है देन यू कैन मेक यूज ऑफ दैट सनलाइट ठीक है अब विंड टर्बाइन अब देखो विंड टर्बाइन में क्या होता है जब हमारी हवा चलती है इट स्ट्राइक्स द रोटर ब्लेड ऑफ अ टर्बाइन जिससे टरबाइन टर्बाइन घूमती है और टर्बाइन से हम क्या कनेक्टेड रखते हैं एक जनरेटर को कनेक्टेड रखते हैं और ये जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी तो हम क्या कहते हैं विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड्स या द रोटर ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन द रोटर ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन एंड लीड्स टू लीड्स टू रोटेशन ठीक है रोटेशन पैदा करता है नाउ द टर्बाइन इज कनेक्टेड टू the turbine is connected to shaft of a generator which produces अच्छा ये बताओ यहां पे कौन सा जनरेटर यूज करते हैं यार यहां पे कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है जल्दी से सब बच्चे मुझे बताएंगे मशीन के अंदर सब पढ़ के आते हैं कि कौन सा जनरेटर यूज किया जाता है विंड में में जल्दी से बताओ सोलर एनर्जी में यार देखो दोनों तरीके हैं कृष्णा फोटोवोल्टाइक सेल से भी कर सकते हो और वहां पे आप चाहें तो यूज कर सकते हैं वाटर हीटिंग वाला इफेक्ट ठीक है बेटा यहां यूज होता है इंडक्शन जनरेटर यस यहां पे जो जनरेटर यूज होता है दैट इज योर इंडक्शन जनरेटर ठीक है इंडक्शन जनरेटर यूज होता है अंशल बेटा मैंने कल एक सेशन लिया था कल मैंने एक सेशन लिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग प्लस पे बैचेस लॉन्च करे हैं फॉर एच पी सी एल एच ए एल यू एन एल एंड डी एफ सी सी आई एल ये सारे बैचेस के बारे में मैंने बताया था लिंक भी मैंने शेयर किया था बैचेस की लिंक आपकी अवेलेबल है कहां पे टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश ई गेट बैचेस ठीक है यहाँ पे आपके बैचेस की लिंक अवेलेबल है जाके चेकआउट कर लेना ठीक है पीयूष कह रहे हैं सर मैं वीडियो बुक से तैयारी कर रहा था बेटा वीडियो सारे के सारे इस चैनल पे हैं और वीडियो के जो नोट्स हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पे तैयारी तो अब भी कर सकते हो बस थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगेगी है ना क्योंकि देखो लाइफ में हर बार ये नहीं हो सकता कि सब चीज़ थाली में परोस के मिल जाए कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है तो वीडियो बुक के सारे वीडियो इस चैनल पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो इस चैनल से हटाया गया हो तो आप सारे वीडियोस देख सकते हो अभी भी वेल अरेंजड हैं हर चीज़ एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में बढ़िया तरीके से आपको मिल रही है और इसके अलावा नोट्स आप टीम के या मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो दिक्कत कहाँ पे है ठीक है चल अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टर्बाइन होती हैं ये होती है वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन क्योंकि इसकी जो एक्सिस है ना दैट इज हॉरिजॉन्टल और ये होती है वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन ठीक है इसकी एक्सेस हॉरिजॉन्टल होती है और इसकी एक्सेस वर्टिकल होती है तो ये दो तरह की टर्बाइन होती है नाम याद रखना ये चीज आपको काफी है ठीक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अगेन विंड इज आर रिलायबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है विंड एनर्जी रिड्यूसेस कार्बन एमिशन ठीक है विंड एनर्जी रिड्यूसेस कार्बन एमिशन रनिंग कॉस्ट बहुत ही कम होती है इसकी और ऑफ शोर विंड फार्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ विंड फ्लो ठीक है विंड एनर्जी है भैया कब हवा चलेगी कब नहीं चलेगी कौन जान सका है और विंड फार्म बनाने से वहां की लुक चली जाती है उस एरिया की ठीक है विंड टर्बाइन डैमेज कर सकती है, है, है को। जैसे इसके अंदर चिड़िया वगैरह टकराती हैं तो क्या होता है कि चिड़िया या वाइल्ड लाइफ इस तरीके से मर सकती है विंड फार्म्स बहुत महंगे भी हो सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ठीक है डीजल पावर प्लांट अब डीजल पावर प्लांट वही होता है जो शादियों में जनरेटर लगता है ना वही है डीजल पावर प्लांट यहां पे क्या करते हैं डीजल के कंबशन से जो गैसेस पैदा होती हैं उनसे टरबाइन को चलाते हैं और टरबाइन से जनरेटर चलता है जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है. तो देखो यहां पे क्या होता है डीजल इंजन डीजल इंजन इज यूज टू कंबस्ट यहां ना इंजन लगाया जाता है इज यूज टू कंबस्ट डीजल विद एयर अब ये मत कहना सर एयर का क्या काम था बिना एयर के कंबशन नहीं होता एंड दिस इंजन इज कपल्ड इज कपल्ड टू शाफ्ट ऑफ जनरेटर ये इंजन जैसे देखो इंजन आपका बाइक में होता है इंजन आपका गाड़ी में होता है तो ये व्हील को रोटेट कराता है इंजन सेम वे में यहां पर जो इंजन है आपका इट इज रोटेटिंग इट इज रोटेटिंग द टर्बाइन ऑफ जनरेटर इट इज रोटेटिंग द टर्बाइन ऑफ जनरेटर बेटा यूजलेस पावर प्लांट नहीं है क्योंकि शादियां कैसे होंगी घरों में क्या होगा सोसाइटीज में क्या होगा सोचने वाली बात है अगर ये वाला पावर प्लांट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा बिल्कुल कमर्शियल स्केल पे आप नहीं कह सकते लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे पर्सनल यूज के लिए दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ द पावर जनरेशन ठीक है, दिस इज द मोस्ट सुटेबल ये बात क्लियर हुई अब देखो ये डीजल इंजन का डायग्राम आपको दिखा रखा है डीजल इंजन के अंदर क्या होता है? है। देखो ये पिस्टन है. ये पिस्टन पिस्टन की मदद से हम फ्यूल को कंबशन करते हैं फ्यूल आता है एयर आता है और ये पिस्टन इज यूज टू कंबस्ट द फ्यूल अब ये फ्यूल कंबशन जो होता है इससे जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज बेसिकली यूज टू रन द रन शाफ्ट ऑफ दैरिट्स एंड डीमेरिट्स सबसे बड़ी बात है पोर्टेबल यूज जल्दी स्टार्ट हो जाता है आपने देखा होगा ना चाबी से घुमाओ और ये ऑन हो जाता है यहां कूलिंग बहुत इजी है यहां कोई कूलिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है ठीक है थर्मल एफिशिएंसी इसकी काफी ज्यादा होती है डीजल की एज कंपेयर टू कोल जब तो ये बाइक्स और गाड़ियों में यूज किया जाता है गाड़ियों में मेनली बाइक्स में तो नहीं इट रिक्वायर्स लेस ऑपरेटिंग स्टाफ भाई एक बार चालू करना है चलता रहेगा ऐसा नहीं चार लोग वहां खड़े रहें कॉस्ट ऑफ डीजल इज वेरी हाई यहां फ्यूल कॉस्ट हाई होता है पता है मैं तुम्हें बताता हूं जब हम लोग ऑफलाइन क्लास लगाते थे ना कभी कभी लाइट चली जाती थी तो ऑफलाइन क्लास में जब कभी कभी लाइट चली जाती थी तो होता क्या था एक क्लास के अंदर कम से कम हमारा 10 से बारह हजार का डीजल खर्चा होता था उस क्लास का एसी पंखा लाइट रनिंग रखने में इतना महंगा पड़ता है ठीक है ल्यूब्रिकेंट कॉस्ट हाई है ल्यूब्रिकेंट कहाँ यूज होता है इंजन में आप जानते हो कि जिन किसी के पास भी बाइक है ल्यूब ऑयल बहुत महंगा आता है ठीक है अब पावर जनरली यूज टू तो प्रोड्यूस स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट वही शादी डोमेस्टिक एंड ओवरलोड कंडीशन में या लार्जर टाइम पीरियड के लिए ये अच्छा काम नहीं करता इसको बहुत कम टाइम के लिए चलाया जा सकता है ऐसा नहीं कर सकते 24 घंटे 48 घंटे चला रहे हो खराब हो जाएगा ठीक है चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताते चलना और देखो आप लोगों की भी जो क्वेरीज है ना अब मैं ले लूंगा लेक्चर के बीच में यार ज्यादा क्वेरी मत पूछा करो लेक्चर के बीच में आप लोग ज्यादा चीजें पूछते हो उससे क्या होता है लेक्चर डिस्टर्ब होता है तो लेक्चर के बीच में आई डोंट आंसर मोस्ट ऑफ योर मैसेजेस लेकिन जब क्वेश्चन करा रहा हूं तब आप पूछ सकते हो एक क्लास में कह रहा था एक दिन में भी नहीं जल्दी बताओ पहले का क्या है द पावर आउटपुट डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करता है सी आपको यहां पे ये यह याद रखना पड़ेगा ठीक है W क्या है डेंसिटी ऑफ वाटर W क्या है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर जिसका वैल्यू होता है थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब ठीक है Q क्या है Q होता है फ्लो रेट इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड ठीक है एच होता है हेड हेड माने हाइट इसका यूनिट होता है मीटर और ईटा माने एफिशिएंसी ईटा माने एफिशिएंसी तो किस किस पे डिपेंड किया डिस्चार्ज यानी क्यू एच और ईटा डेंसिटी तो फिक्स है ठीक है चलो अगले पे आ जाओ व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इन किलोवॉट करो चलो भाई जल्दी से कर दो क्या है एफिशिएंसी सॉरी पावर जनरेटेड और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे देना क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा यस ए आंसर इज ए देखो ये जो सेवन थर्टी सिक्स बाय सेवेंटी फाइव है ना ये नाइन पॉइंट एट ही है ये क्या है नाइन पॉइंट एट तो ये जो by 75 है दिस इज नाइन पॉइंट एट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना ये ये है ठीक है तो आंसर इज ए अगला देखो यार टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी थाउजेंड हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनिट एज्यूमिंग हंड्रेड परसेंट एफिशिय विद वन मीटर हेड वन मीटर पर वन मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज बताओ भाई क्या आएगा जल्दी से निकालो आंसर है सी बहुत ही बढ़िया यहां पे कुछ भी नहीं करना पावर में ड कितना है वन एफिशियंसी वन देखो थाउजेंड और टेन की पावर माइनस थ्री कट जाएगा तो आंसर इज नाइन पॉइंट एट किलो वॉट और इसकी यूनिट जो है ना किलो वॉट होती है चलो अगला देखो इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होगा जल्दी बोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से बताओ मेरे भाई कम ऑन ज करेक्ट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फटाफट बोलेंगे ए बढ़िया ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो एंड इनिशियल कॉस्ट इज हाई बहुत ही सही अगला ग्रॉस हेड ऑफ अ पावर स्टेशन इज ग्रॉस हेड ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज ग्रॉस हेड का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ भाई ग्रॉस हेड का मतलब होता है ए ये टेल रेस क्या होता है टेल रेस बेटा वो पार्ट है वेयर वॉटर इज लेट आउट आफ्टर बींग यूज इन टर्बाइन टर्बाइन में यूज होने के बाद ना जब पानी को छोड़ा जाता है तो दैट इज रेस यानी लोएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट और ये हाईएस्ट पॉइंट तो इनके डिफरेंस को हम बोलते हैं ग्रॉस हेड अगला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग स्टीम पावर प्लांट मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो वाटर इज रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर स्टार्टिंग हैंडलिंग ऑफ कॉल कोल एंड डिस्पोजल ऑफ एश कैन बी इजी क्या सही है जल्दी से बताओ इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं आप लोग बताएंगे मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो वाटर इज रिक्वायर्ड इन ह्यूज क्वांटिटी रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर स्टार्टिंग कोल और ऐश को हैंडल करना आसान है बहुत बढ़िया बी ठीक है मेंटेनेंस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ से सस्ती है भैया कोल यूज़ होता है फ्यूल कॉस्ट हाई होती है ठीक है और हैंडलिंग ऑफ कोल और डिस्पोजल ऑफ एश एक आसान काम नहीं है अगला ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ अ स्टीम पावर स्टेशन इज स्टीम पावर स्टेशन माने थर्मल पावर प्लांट इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके अनुसार डीजल और गैस के मुकाबले कैसी है डीजल और गैस के मुकाबले कैसी है जल्दी बताओ विकास बेटा ये क्लास का ड्यूरेशन एक से डेढ़ घंटे होता है बारह से डेढ़ के बीच में यस yes, बी अगला विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट वर्क ऑन ऐसी कौन सी साइकिल है जिसपे स्टीम पावर प्लांट काम करता है बताओ फटाफट कम ऑन एवरीवन स्टीम पावर प्लांट कौन सी साइकिल पे काम करता है यस बी रैंकिन साइकिल ये थर्मोडाइनमिक्स की एक साइकिल है जिसपे हमारा स्टीम पावर प्लांट काम करता है अगला रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज इन द रेंज ऑफ रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी किस रेंज में लाई करती है जल्दी बताओ रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी किस रेंज के अंदर लाई करेगी यस बी थर्टी टू फोर्टी फाइव अगला इन रैंकिंग साइकिल द वर्क आउटपुट ऑफ फ्रॉम अ टरबाइन इज गिवन बाय, वर्क आउटपुट किसके इक्वल होता है? बताओ भाई, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा इसका आंसर है ए चेंज ऑफ एन्थैल्पी बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट यहां याद करना पड़ेगा यहां पे और कोई तरीका नहीं है अगला न्यूक्लियर रिएक्टर यूजुअली एम्प्लॉय न्यूक्लियर रिएक्टर में यूजुअली क्या होता है जल्दी बोलो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूजुअली क्या यूज होता है यस फिजन फिजन का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में अगला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अ थर्मल रिएक्टर नीड्स अ मॉडरेटर मटेरियल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज केप्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू वन न्यूक्लियर प्लांट्स आर यूज एज द पीक लोड प्लांट ओनली जल्दी बताओ क्या सही है कम ऑन एवरीवान क्या सही है इसमें यस बी वन एंड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा बेस लोड प्लांट की तरह यूज होते हैं किसकी तरह बेस लोड प्लांट ठीक है जो कि कांस्टेंट एनर्जी हमको प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर ऑपरेशन अगला अगला बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस ड्यू टू फिजन मॉडरेटर मस्ट हैॉलिकुलर वेट ऑर्डिनरी वाटर कैन बी यूज एज अ मॉडरेटर मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज कैप्ट स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी ड्यूरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग बेस और पीक के एग्जाम्पल बता दू बेटा पीक लोड में आपका पम्प स्टोरेज आ जा जाता है ठीक है और पीक लोड प्लांट के अंदर आपका डीजल पावर प्लांट आ जाएगा गैस टर्बाइन पावर प्लांट आ जाएगा ये सब आपके हैं पीक लोड बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टीम न्यूक्लियर विंड सोलर ये सब बेस लोड है क्या आ रहा है भाई इसका बताओ पर्पज ऑफ मॉडरेटर ये स्टेटमेंट तो सही है हमारी मॉडरेटर मस्ट हैव लो मॉलिकुलर वेट ये गलत है इट मस्ट हैुलर वेट ठीक है इसका मोलिकुलर वेट बेटा हाई होना चाहिए तभी ये स्लो डाउन करेगा सही है लेकिन नहीं यार लो ही आएगा एक्चुअली वाटर और हैवी वाटर का मॉलिकुलर वेट कम होता है ना यहां पे आप इससे रिलेट कर सकते हो डी टू ओ कोई खासा मॉलिकुलर वेट नहीं होता ऑर्डिनरी वाटर यूज नहीं करते हैवी वाटर यूज करते हैं ठीक है अगला मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज कैप्ट स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी तो आंसर इज डी ठीक है आंसर इज डी चलो अगला के दे रखा है अब ये बताओ पावर लेवल कैसे बढ़ाओगे के दे रखा है तो पावर लेवल कैसे बढ़ाओगे के क्या है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हाउ विल यू इंक्रीज द पावर लेवल बताओ किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट का पावर लेवल कैसे बढ़ेगा यस yes. आंसर इज बी देखो के को वन के ऊपर ले जाओ उससे क्या होगा ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे उससे ज्यादा एनर्जी पैदा होगी लेकिन वापस उसको वन पे ले आओ ताकि वो चेन रिएक्शन कंट्रोल्ड रहे अनकंट्रोल्ड ना बन जाए तो आंसर इज बी अगला पावर आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू जल्दी बताओ पावर आउटपुट इज प्रपोर्शनल टू क्या आएगा जल्दी बोलेंगे कम ऑन एवरीबडी बताओ भाई फिफ्टींथ का यस ए रेट एट विच फिजन रिएक्शन ऑकर ठीक है जितनी जल्दी जल्दी फिजन होगा उतना ज्यादा आपका पावर आउटपुट होगा अगला फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज बेटा देखो किसी भी एग्जाम की मैं टेंटेटिव डेट के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि एग्जाम डीले हो रहे हैं कोविड की वजह से तो कोविड की सिचुएशन कब संभलती है यह तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं बता पाएगा यस द आंसर इज सी अगला फॉर सैटेलाइट द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सैटेलाइट कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करती है जल्दी बताओ सैटेलाइट यूजेज विच सोर्स ऑफ एनर्जी कम ऑन एवरी वन ए सोलर सेल बहुत ही बढ़िया सोलर सेल को यूज करती है ठीक है अगर आपने सैटेलाइट का डायग्राम देखा हो तो उसके जो पंख होते हैं बड़े बड़े वो क्या है सारे सोलर पैनल ही तो हैं अगला द डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी डिसेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देखो रिन्यूएबल की एडवांटेज के बारे में तो सब बात करते हैं लेकिन ड्रॉबैक क्या है अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो यह रिप्लेस क्यों नहीं कर देते बताओ जल्दी बोलो यस डी ऑल ऑफ दब ठीक है ये परमानेंटली अवेलेबल नहीं होते सारे समय अवेलेबल नहीं होते हैं भाई इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हो आप लोग और इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती है परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी परमिसिबल वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन अलाउड है जल्दी से बोलेंगे बहुत ईजी है नाइनटीन्थ का फ्रीक्वेंसी में कितना वेरिएशन अलाउड है कम ऑन एवरीवन हाउ मच वेरिएशन इज अलाउड इन द फ्रीक्वेंसी बताओ भाई यस द आंसर इज बी तीन परसेंट ठीक है अगला ड्यूरिंग लोड श्रेडिंग लोड शेडिंग कह लो या श्रेडिंग होता है वैसे ड्यूरिंग लोड शेडिंग सिस्टम वोल्टेज इज रिड्यूस फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस लोड आर स्विचड ऑफ पावर फैक्टर इज चेंज क्या होगा लोड श्रेडिंग का मतलब क्या है भाई आंसर इज सी लोड बंद किए जाते हैं लोड बंद किए जाते हो ठीक है चलो अगला लोड शेडिंग इज डन फॉर लोड शेडिंग इज डन फॉर जल्दी से बताओ लोड शेडिंग करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है आप लोड क्यों हटाते हो जल्दी बोलो यार ऑब्वियस है लॉजिकल है आंसर इज ए पीक डिमांड कम करने के लिए भाई लोड हटा के इसलिए रहे हो ताकि मैक्सिमम डिमांड कम हो जाए अगला जनरेटर फॉर बेस लोड प्लांट आर यूजली डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशियंसी अराउंड जनरेटर जो बेस लोड प्लांट में काम आते हैं उनकी मैक्सिमम एफिशियंसी कितनी लोडिंग पे देखने मिलती है जल्दी बोलो मैक्सिमम एफिशियंसी कितनी लोडिंग पे देखने मिलती है कम ऑन एवरीवान फटाफट बताएंगे फटाफट कितनी एफिशियंसी फुल लोड क्योंकि हम ये चाहते हैं दे मस्ट ऑलवेज बी ऑपरेटिंग एट फुल लोड अगला जनरेटर फॉर पावर प्लांट टू सप्लाई एक्सक्लूसिवली पीक लोड आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी टू ऑकर एट जो पीक लोड वाले होते हैं उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कहां होती है आशुतोष बेटा मैं पावर प्लांट पूरा पढ़ा चुका हूं आप एक बार पावर सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देखो लास्ट के चार पांच लेक्चर सिर्फ पावर प्लांट के हैं आंसर इज बी ठीक है यहां पे बेटा 50 से 75 परसेंट पे होती है क्योंकि पीक लोड प्लांट फुल लोड पे नहीं चलते हैं बात क्लियर हुई ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही रखेंगे तो हमारा जनरेशन वाला पार्ट रिवाइज हो गया है कल मैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेके आऊंगा ठीक है कल हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे अब देखो यार जिस किसी को अन ज्वाइन करना है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी हमारा नया बैच गेट का भी लॉन्च हुआ है और आज ही से एच HPCL, एल एच पी सी एल आर वी यू एन एल और डी एफ सी सी आई एल इसके बैचेस भी प्लस पे स्टार्ट हुए हैं तो अभी ज्वाइन कर लो कोड आप जानते हो बेटा कोड आपको क्या लगाना है अंकित ई एस सी इमीजिएट आ जाओ मेरी गाइडेंस में तैयारी कर सकते हो मुझसे बात कर सकते हो और टेन परसेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही और जिन किसी को स्कॉलरशिप चाहिए भाई 9 मई को 11 बजे हो रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट इसमें एनरोल कर लो अन अकेडमी के थ्रू यूजिंग द कोड अंकित ई ठीक है अंकित ई के साथ आपकी वन ईयर फीस क्या होगी ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फोर सिक्स टू ईयर थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड के लिए जाओगे वन ईयर क्या होगा फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी टू ईयर सिक्सटी सिक्स सिक्स हंड्रेड अब देखो कोई डाउट आता है तो आप डाउट भेज सकते हो टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश आस्क डाउट ठीक है इसके अलावा आपको अगर मेरे से चैट करनी है तो आप यहाँ पे चैट कर सकते हो इसके अलावा अगर कोई सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कॉल पे बात करनी है तो सेवन जीरो एट नाइन जीरो फोर सेवन फाइव सिक्स वन ये नंबर है और नोट्स आपको बेटा यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बाकी अगर आपको अदर स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करना है तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है अंकित गेट के नाम से तो ये टेलीग्राम चैनल है ठीक है सो थैंक यू एवरी वन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा कल फिर वापस से मिलेंगे विद ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एट 12 पीएम शार्प थैंक यू ऑन जाने में आपकी मर्जी है अगर टी सी कार्य रेडी जाए रो आरोप कितने लोग बोलेंगे लगा देंगे